बॉलीवुड से आई एक और मनहूस खबर। अब कॉमेडी एक्टर बीरबल खोसला ने दुनिया को कहा अलविदा। 84 साल की उम्र में एक्टर ने ली अंतिम सांस। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी एक्टर बीरबल खोसला का निधन हो गया, जिसके बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री गम में डूब गई है। बीरबल खोसला ने 84 की उम्र में 12 सितंबर को 5:30 पर आखिरी सांस ली। उनके जाने से पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर है। अमीर गरीब, रास्ते का पत्थर जैसे कई फिल्मों में शानदार कॉमेडी करने वाले बीरबल खोसला को बढ़ती उम्र को लेकर कई परेशानियां थी और लंबे वक्त से उनका इलाज भी चल रहा था। वो अस्पताल में भर्ती थे और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। बीरबल खोसला लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और मुंबई के भारतीय आरोग्य अस्पताल में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि बीरबल को उम्र संबंधी बीमारियों के अलावा घुटनों में परेशानी थी, जिसके कारण वो चल भी नहीं पाते थे। उनके दोस्त कनौजिया ने बताया कि करीब एक साल पहले तक वो फिल्मों में काम कर रहे थे। बीरबल अपने पीछे पत्नी और एक बेटा छोड़ गए। उनकी पत्नी अंधेरी के साथ बंगला में रहती हैं और उनका बेटा सिंगापुर में नौकरी करता है। अभी एक साल पहले भी उन्होंने एक फिल्म में काम किया, लेकिन उसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, जिस वजह से वो लगातार बीमार थे। बीरबल खोसला के निधन की जानकारी बॉलीवुड की कॉमेडी किंग जॉनी लीवर ने दी। बता दें कि आज यानी कि 13 सितंबर को बीरबल खोसला का अंतिम संस्कार कराया जाएगा, क्योंकि उनका बेटा सिंगापुर में रहता है। वो जब आएगा उसके बाद ही शव को पंचतत्वों में विलीन किया जाएगा। वैसे तो बीरबल ने 500 से ज्यादा अधिक फिल्मों में काम किया, लेकिन जिनमें उनके किरदार को अधिक सराहा गया वो है शोले, मेरा गांव मेरा देश, तपस्या, सदमा, दिल फिर कभी, रास्ते का पत्थर, अमीर गरीब, सुन मेरी लैला, अनीता, इंसान, एक महल का सपना हो, मोहब्बत की आरजू। दिवंगत एक्टर को भले ही बीरबल खोसला के नाम से जाना जाता हो, लेकिन उनके असली नाम सतेंद्र कुमार खोसला है। उन्होंने साल 1967 में फिल्म उपकार से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उन्होंने न केवल हिंदी बल्कि भोजपुरी, मराठी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया।